वाड़ी के ब्राह्मण सेना की ओर से गरीब परिवारों को बांटा शाम का खाना। लॉकडाउन में फंसे गरीब लोगों को खाना देने वाले हाथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य पर वाड़ी के ब्राह्मण सेना की ओर से पुलिस स्टेशन के सामने शिव शक्ति स्थित बस स्टॉप पर शुक्रवार की शाम पीआई राजेंद्र पाठक के हाथों भोजन दान वितरण किया गया। भुसावल से झारखंड जा रहे 20 युवकों को भी ब्राह्मण सेना ने पदाधिकारियों ने खाना खिलाया। भुसावल से नागपुर करीब 500 किलोमीटर साइकिल से रास्ता पार कर वाड़ी में पहुंचे थे। आगे झारखंड की ओर सभी युवक रवाना हुए। नागपुर से और 891 किलोमीटर की दूरी तय करना बाकी है। एक दिन में करीब 100 किलोमीटर की दूरी पार करने वाले युवकों को वाड़ी में ब्राह्मण सेना ने खाना व पानी देने से सभी ने धन्यवाद माना। 17 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद भी ब्राह्मण सेना खाना खिलाने का प्रयास करने की जानकारी राजू मिश्रा ने दी है। इस अवसर पर राजाराम मिश्रा, राजू मिश्रा, मनीष द्विवेदी, सुनील पांडे, ओपी मिश्रा, विजय शुक्ला, विजय मिश्रा, कवि संजय गुप्ता उपस्थित थे। आज मैंने थोड़ा सा ये कोरोना के माध्यम से जो लोगों को भोजन वगैरह नहीं मिल रहा है उसके बारे में एक महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे ब्राह्मण सेना के अध्यक्ष मनीष जी एंड राजू जी और हमारे सहयोगीगण यहाँ पे, हाँ, पांडे जी वगैरह सारे उपस्थित हैं, उनके सहयोग से कर रहा हूँ। और मेन चीज़ क्या है, आज महाराष्ट्र के हम रहने वाले हैं अभी, और आज महाराष्ट्र का दिन है, फर्स्ट डे ऑफ द महाराष्ट्र, दैट इज़ कॉल्ड महाराष्ट्र दिवस। इसके उपलक्ष्य में सभी महाराष्ट्र के भाइयों को सभी को वंदन करता हूँ और अपनी तरफ से जय महाराष्ट्र करता हूँ। कोरोना वायरस के इस बंदी के समय बराबर किया जा रहा है, और जिसमें हमको सामाजिक तौर पर और हमारे मीडिया भाई बंधुओं का भी सहयोग मिल रहा है, जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज वाड़ी परिक्षेत्र के अंदर में आरआर मिश्रा जी के द्वारा महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया है। वाड़ी ब्राह्मण सेना के अध्यक्ष राजू मिश्रा, पांडे जी, बाकी सभी की सहयोग से, योगदान से यह एक जोरदार अन्नदान का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। 1 मई है, महाराष्ट्र दिवस है, इसके उपलक्ष्य में भी है, और इसके साथ साथ में सभी हमारे जो नागरिक हैं वाड़ी शहर के, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग ज़रूरतमंदों को जो भी सहयोग हो सके उनको सहयोग करें, और वाड़ी की जितनी भी जनता है सभी से आह्वान है कि भाई सभी लोग सहयोग करें, तन मन धन से जो जैसे भी सहयोग करना चाहता है वो कर सकता है अपनी तरफ से, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ऐसी समस्या जो आई है हमारे भारत पे, इस भारत पे जो समस्या आई है उस समस्या से निदान पाने के लिए सभी लोग अपने अपने घरों में भगवान से हो, अपने अपने धर्म के हिसाब से हो, सभी लोग पूजा पाठ के माध्यम से सब लोग चाह रहे हैं कि भैया ये समस्या जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाए, और ऐसा मैं भी चाहता हूँ कि हमारे भारत से समस्या ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग जो भी सहयोग हो सके जरूरतमंदों को करते रहेंगे और कर रहे हैं। इन बीसीएन न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।